सोलन जिलावासियों को खाने की मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ स्वच्छता और ताजे मिले, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जहां खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन ने सभी मिष्ठान विक्रेताओं को मिठाइयों पर एक्सपायरी तिथि लिखने के आदेश दिए हैं, वहीं अब उन्हें अन्य नियमों का भी अनुसरण करने के लिए कहा गया है, ताकि ग्राहकों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो सके। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि FSSAI द्वारा जो भी निर्देश उन्हें दिए जा रहे हैं, उनकी अनुपालना विभाग द्वारा सख्ती से करवाई जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि FSSAI कानून के तहत जितनी दुकानें आती हैं, उन्हें वर्ष में ऑडिट करवाना जरूरी है, जिसके चलते 25 नॉनवेज और 25 मिठाइयों की दुकानों का ऑडिट करवाया गया है। ये ऑडिट FSSAI अपने खर्चे पर कर रही है। ऑडिट के दौरान जो कमियां पाई गई हैं, उन्हें दूर करने के आदेश दुकानदारों को दे दिए गए हैं। अगर ये कमियां फिर भी पाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहां तक कि दुकानदारों का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनका विभाग दुकानदारों को जागरूक कर रहा है, ताकि जो कच्चा माल व मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वे स्वच्छ हैं या नहीं, उसकी गुणवत्ता का पता लगाया जा सके। दुकानदारों को सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है। FSS एक्ट में जितनी भी दुकानें हैं, उनका जो भी लाइसेंस्ड दुकानें हैं, उनका साल में एक बार ऑडिट होना अनिवार्य है रिलेटेड टू फूड सेफ्टी। तो FSSAI ने जो इम्पैनल्ड ऑडिटर्स हैं, उनके थ्रू यहाँ के लिए भी लिखा था कि सोलन में 25 मीट शॉप्स और 25 स्वीट शॉप का ऑडिट FSSAI कराएगी, जिसकी जो भी ऑडिट का खर्चा होगा वो FSSAI पे करेगी। तो हमने 50 दुकानों का यहाँ ऑडिट FSSAI इम्पैनल्ड ऑडिटर से करवाया। उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ गई है और जो जो उन्होंने कमियां उसमें पॉइंट आउट की है, उसके लिए हमने इम्प्रूवमेंट नोटिस सभी FBOs को भेज रहे हैं। जो इम्प्रूवमेंट नोटिस में इम्प्रूव नहीं करेगा, उसके उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा करेंगे, और जो इम्प्रूव कर लेगा तो उस पर और आगे की और वो उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और साथ ही हमने जो अवेयरनेस यहाँ की, तो अवेयरनेस के साथ साथ जो हमारा एक मेन अभी FSSAI का इनिशिएटिव है रुको इनिशिएटिव, उसके लिए भी जो हमारा ऑडिट था उसमें अलग अलग तीन जो 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 पैरामीटर थे, उसमें स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन की कोई फ्लेक्स तो नहीं है जहाँ से कंटेमिनेशन हो सकती है, और उसका डिज़ाइन कैसा है, वर्कर का मेडिकल हुआ है उसके पास या नहीं, वो जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल ले रहा है कहाँ से ले रहा है, उसका वो रिकॉर्ड रख रहा है कि नहीं। मेन तो है कि पानी जो भी वो यूज कर रहे हैं वो टेस्ट करवा रहे हैं या नहीं, RO अगर उन्होंने लगाया है तो उसकी कैंडल वो चेंज कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये एक्ट में मैंडेटरी है, तो जितने भी FBO हैं जो मैक्सिमम उनके पास ऐसा डॉक्यूमेंट वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस 50 इम्प्रूवमेंट नोटिस भेज दिए हैं। साथ ही उसके अलावा जो FSO ने भी इंस्पेक्शन किए हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट नोटिस और आगे की कार्रवाई स्टार्ट कर दी है।